ये क्या मतलब बिना हवा के उड़ रही है ये? अच्छा सेल पे उड़ता है ये, वाह जी वाह, एक नई चीज़ देखने को मिली है मुझे। बाजवा के कहने पे मरांसा उड़ता ना, ऐसे ये सेल पे। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे बाजवा साहब से काम लिया जाता है, यहाँ पे सेल से काम लिया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो जो सी है वो है फैसलाबाद स्पेशल, और आज की वीडियो में हम आपको जो से है फैसलाबाद का घंटाघर और इसके जो से आठ बाज़ार, क्योंकि आप लोगों को पता है फैसलाबाद जो सा वो संती शहर और अपने आठ बाज़ारों के से मशहूर है, और आज हम आपको जो से है वो आठ बाज़ारों की सैर करवाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, तो आप लोगों ने आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। और आज जो से फैसलाबाद के बाज़ार हैं आठों बाज़ार, जो कि फैसलाबाद की खासियत है, उसकी हम आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखें जी व्यूवर्स, ये है हमारा प्यारा खूबसूरत फैसलाबाद, और जैसा कि आज हमने आपसे कहा है कि आज की वीडियो में हम आपको आठ बाज़ार जो से हैं उसकी सैर करवाएंगे। तो अब हम लोगों ने अपनी वीडियो को कर लिया शुरू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो सा हमें बोर्ड नज़र आ गया है वो है कचहरी बाज़ार, ये देखें उसका बोर्ड लगा हुआ है, ये है कचहरी बाज़ार। और अब इसी तरह जो सा हमारा यहाँ पे दूसरा जो सा बाज़ार है वो है रेल बाज़ार, ये देखें रेल बाज़ार। आठ बाज़ार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि घंटाघर जो फैसलाबाद है अपने आठ बाज़ार और घंटाघर के से मशहूर है। ये है जी हमारा तीसरा बाज़ार जो कि कारखाना बाज़ार, और ये यहाँ पर दुकानें ये सारी आप देख सकते हैं। और ये आ गया अब मनकुमरी बाज़ार, और यहाँ पे पंजाबी मिल्क शॉप, और उसके बाद अब यहाँ पर आ गया है जौन सा है वो है झंग बाज़ार। आप लोगों ने बाज़ार गिनते जाना है और मैंने आपको दिखाते जाना है, तो ये तो अभी शुरू है। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो फैसलाबाद के बारे में है हमारे चैनल को क्योंकि नाज़नीन पे शेयर होती रहेंगी, तो आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। ये आ गया जी भवाना बाज़ार, ये देखिए जी हमने आपको जो सी है वो सारे बाज़ारों की सैर करवानी है, और अपने प्यारे फैसलाबाद जो कि ये मैनचेस्टर और सनती शहर है इसका हमने आपको सारा बताना, क्योंकि हम फैसलाबाद की और आपको सब फैसलाबाद की, और ये रेल बाज़ार वीडियो को शेयर ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने आज की वीडियो को पूरा देखना, ये हो गए बाज़ार, और अब हम आपको दोबारा एक व्यू दिखा रहे हैं। और घंटाघर से हम लोगों ने इस वीडियो को शुरू किया है, और ये हमने आपको आज अपने सारे जो से हैं वो बाज़ार दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं, आपको यहाँ पर कारोबार अगर करना है, लेकिन ज़्यादातर फैसलाबाद में जो से वो कपड़े का कारोबार ही किया जाता है। बाज़ार तो आप लोगों ने व्यूवर्स देख ली है, ये है हमारा प्यारा घंटाघर जो फैसलाबाद की पहचान, और ये इस पर लिखा हुआ है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, और मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। तो आप लोग फैसलाबाद आएँ, घंटाघर को आप लोग विज़िट ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ जो से बाज़ार है यहाँ पर चहल पहल है, रौनक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के जो से कारोबार करने के लिए आपके पास मौके मौजूद हैं, ज़रिया माश आपको मिल सकता है। तो ये था हमारा प्यारा फैसलाबाद और इसकी वीडियो, इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो फैसलाबाद के मतलब यहाँ पे कारोबार के मतलब जो सी होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं अपनी दुकान की, कोई अपने कारोबार की, तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो में हम लोगों ने आपको जो सा वो नंबर दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम आपकी कारोबार की आपकी दुकान की वीडियो बना सकते हैं। तो व्यूवर्स जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे आपके पास कारोबार के काफ़ी मौके मौजूद है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा एक जो सा है वो खिलौनों का स्टॉल नज़र आ रहा है, क्योंकि जब बच्चे बाज़ार में आते हैं माओं के साथ तो वो खिलौनों की ज़िद ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह मुझे एक स्टॉल नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने मौजूद हैं, और अब हम अंकल से जानते हैं कि वो ये सारे अच्छे अच्छे जो से खिलौने हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, उनकी कीमत क्या है, और ख़ास तौर पर ये जो सा ये पप्पी हम देख सकते हैं ये मौजूद है। ज़रा एक दफ़ा मैं सारे आपको इनको खिलौने दिखा दूँ, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे हम लोग भी मम्मा के साथ बाहर आते थे, तो हम लोग भी मम्मा से ज़िद करते थे कि हम लोगों ने खिलौने लेने हैं, तो वही देखकर ये सब खिलौने मुझे याद आ गए कि बच्चे अभी भी ज़िद करते होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे मतलब जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से आके अपने बच्चों को खिलौने लेकर दे सकते हैं। तो चलते हैं अब अंकल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, थोड़ा सा ऊँचा बोलना पड़ेगा आपको,
अच्छा तो अंकल मुझे बताइएगा कि आप मतलब कितने अच्छे से यहाँ फैसलाबाद में ये काम कर रहे हैं खिलौनों का। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आपका कारोबार ठीक है, मतलब कि कोरोना की वजह से कोई इफेक्ट हुआ है? कारोबार है ही नहीं। ये व्यूवर्स बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मतलब कोरोना की वजह से, ऊपर से ये दो दिन का जो सा लॉकडाउन शुरू हो गया है, इससे इमरान खान की वजह से ये अब एक नई कंट्रोवर्सी जो सी वो स्टार्ट हो जाएगी कि इमरान खान की वजह से, तो हम अब हम परेशान हैं। तो खुदारा हमारी इस वीडियो के ज़रिए वो जो से हुकूमती अरबाब हुकूमती अरकान जो सुन रहे हैं वो कुछ करें इस सबके के लिए, जो मेहनत कश है अपने बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए यहाँ पर काम करें, थोड़ा सा उनका भी ख्याल करें, क्योंकि इनके वोट से ही आप लोग जो से हैं दिए ही नहीं था ये, तो फिर आपने गलत किया ना, आपके एक वोट से बहुत फ़र्क पड़ सकता था। इसको खुद लेके आए हैं? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप ये जो सामान है ये खिलौने वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? लाहौर से भी लेते हैं, क्या यहाँ से भी लेते हैं, तो क्या कोई मतलब आपने प्राइस फिक्स की हुई है इन खिलौनों की, या मतलब सबकी डिफरेंट प्राइस है खिलौनों की? डिफरेंट प्राइस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप एक चिड़िया भी देख सकते हैं यहाँ पर जो सी वो उड़ रही है, ये क्या मतलब बिना हवा के उड़ रही है ये? अच्छा सेल्फ पे उड़ता है ये, वाह जी वाह, एक नई चीज़ देखने को मिली है मुझे। बाजवा के कहने पे इमरान खान उड़ता ना ऐसे ये सेल्फ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे बाजवा साहब से काम लिया जाता है, यहाँ पे सेल से काम लिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी मतलब इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं कि इन सबको का भी ख्याल करें, जो मेहनत कश है इनका भी सोचें, क्योंकि इनकी वजह से जो से हमारा वो ज़रिया माश चलना है, यही हमारे लिए बहुत कीमती असास और कीमती सरमाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका, शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वो केयरिंग्स मतलब आपके नाम वाले छल्ले जो से मौजूद हैं यहाँ से, आप अपने नाम का कोई भी छल्ला ले सकते हैं, सारे नाम मौजूद हैं यहाँ पर, और देखें सारे आप जो आपको पसंद हो जो आपका नाम है वो आप ले सकते हैं। तो अंकल ये कितने का एक केयरिंग है? 50 का। यहाँ पर देखिए जी ये लिखा हुआ है बलाल, और यहाँ पर और भी बहुत सारे, हाँ ये ठीक है, ये लिखा हुआ है जी बलाल आज़म और फराज, बहुत सारे हैं। तो 50 का ये छल्ला है, और यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये भी स्टॉल लगा हुआ है, और अगर आपने अपने नाम की केयरिंग लेनी है तो यहाँ पर। तो अंकल आप ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये ले जी, हमारे प्यारे पाकिस्तान का झंडा भी आ गया यहाँ पर पीछे वीडियो में। हाँ जी कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? खुद बनाते हैं? अच्छा तो मतलब ये हैंडमेड है सारे? तो कैसे कुंदा करते हैं इसके ऊपर आप अपना नाम, मतलब ये नाम वगैरह? लेज़र से बनता है। तो कोई मतलब ख़ास कोई आला है या मतलब क्या कोई मशीन है? थोड़ा सा इधर लेज़र वाली मशीन, लेज़र वाली मशीन है। अच्छा अच्छा, तो ये देख लीजिए कि ये हैं वो हमारे मेहनत कश जिनका ये स्टॉल है, और आप लोग जब यहाँ पर केयरिंग खरीदने तो इनके स्टॉल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पर ये रंग बिरंगी जो सी लाइटें बेच रहे हैं भाई, इनसे पूछते हैं, इन्होंने अपने सर पे भी कुछ लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये आप क्या बेच रहे हैं? आपने अपने सर पे भी लगाया हुआ है, ये क्या है? तलवार? नहीं मतलब लाइटें चलती हैं इसके अंदर, तो कितने की है ये तलवार? और ये आपके हाथ में ये वाले क्या है? ये बटरफ्लाई, मतलब सेलों के साथ चलते हैं ये भी, ये लड़कियों के लिए हेयर बैंड है, लड़के तो नहीं यूज़ कर सकते इसको? हाँ लाइटिंग जैसे ले सकते हैं इसको, सही। तो भी बट मौसम भी बहुत प्यारा हुआ फैसलाबाद का, और ये है हमारा घंटा घर, यहाँ पे बहुत सारे जो से मेहनत के तबके मौजूद हैं, और अब हमने यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, ये भी जो से बैठे हुए हैं यहाँ पर घंटा घर के इर्द गिर्द। तो इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको फैसलाबाद का घंटा घर और इसके 8 बाज़ार की सैर करवाई है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।